अस्सलाम वालेकुम, आ गया हूँ मैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ। और आज हम आए नीचे अपने मुर्गी के पास, उनको दाना पानी डालेंगे। लेकिन उससे पहले यार ये देखो, इसको देखो, ये इसके ऊपर से ना बाल हट रहे हैं यार। ये इनको पता नहीं क्या मसला आ गया। ये अब कोई डिजीज है, ये क्या हिसाब है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसके देखो, देखा उसके देखो, ये एक एक करके सबके जो है ना ऊपर से ये हट रहे हैं, बाल हट रहे हैं। पता नहीं अब इसका क्या हाल है यार, कोई मुझे बता दे भाई, मैं तो नहीं जानता हूँ यार, क्या कोई बताए मुझे इसका क्या हाल हो सकता। और बाकी इनके आगे कुछ डालते हैं, इसके बारे में मुझे बताएं यार लाजमी से। ये देखें, इस बारे में यार मुझे लाजमी बताएं यार, इनके ऊपर से बाल जो है ना वो एक के पहले हटे थे, वो बीमार हुई और फिर वो काटनी पड़ी मुझे, उसके बाद ये इन सब के हिसाब हो गया। वो तकरीबन 2-3 महीने जो है ना वो उसके बाल हटे हुए थे और वो ज़िंदा थी, लेकिन फिर बीमार हो गई अचानक से। जैसे बीमार हुई फिर वो मुझे काटनी पड़ी। इसका कोई हल बताओ यार, ये कोई डिजीज़ है या कोई नेचुरल मसला है या फिर क्या हिसाब है, ये होता किस वजह से है। वो सामने बैठी हुई अंडे पे, ये मेरी पहली एक मुर्गी को थी, अब मेरे तकरीबन 4-5 दानों को ना, 4-5 मुर्गियों को हो गई है ये वाला मसला। इस बारे में लाजमी से यार मुझे कमेंट में बताओ यार। अभी हम ऊपर जा रहे हैं, हमारी एक मुर्गी बीमार है, मेरी तबीयत भी सेट नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए कर रहे हैं, वही बना रहे हैं। मेरी एक मुर्गी ऊपर है, उसका जो है कल से वो बीमार है, अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ उसके पास, उसको थोड़ा ट्रीट करेंगे, देखेंगे उसको। ये तकरीबन मुझे लग रहे हैं कि पोटों वाला मसला जो है फिर से आ गया। चले इनको वापस आकर देखते हैं, पहले हम जा रहे हैं ऊपर, मुर्गी है वो जो बीमार हो गई है उसको। भाई जो है जगह की सफाई कर रहे हैं, इधर गंद थोड़ा ज़्यादा हो गया था इस वजह से सफाई कर रहे हैं। ये कभी कभी हम खुद कर लेते हैं, जब कोई ना हो तो फिर हमको करना पड़ता है, कोई ना। यार ये एक एक झाड़ू जो है ना ये मुर्गियों वाले उधर भी लगा लेना, ठीक है। ये इनके नीचे भी भाई कह रहे हैं थोड़ी जो रेत होती है वो डालो, क्योंकि ये जगह थोड़ी ख़राब हो गई है, ये बैठ नहीं सकते हैं यार। इनको बैठने में फिर मसला होता है, जगह गीली होती है नीचे, फिर इनको मसला होता है। इनके लिए अभी नीचे से थोड़ी जो रेत है वो डालनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले हम जाएंगे ऊपर, अपनी जो बीमार मुर्गी है उसको देखेंगे, उसका क्या हिसाब है, उसको थोड़ा ट्रीट करेंगे। बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, देखो बार बार अपना सर छुपा रही है।
दम भी गिरा दिए। इसको कुछ जो है ना पीस के खिलाते हैं, अपना मकई के दाने पीस के खिलाते हैं, फिर मैं नीचे से जाता हूँ इसके लिए वो लेकर आते हैं, लहसुन लेकर आते हैं, लहसुन देसी टोटका ये लहसुन खिलाने वाला। देखते हैं, पहली पिछली मर्तबा तो ये बीमार हुई थी, इसको लहसुन खिलाया था तो ठीक हो गई थी। ये इसको खा रही है, लेकिन इसको पीस के खिलाएंगे, इसको पीस के खिलाएंगे, वैसे नहीं खाएगी ये, बस जान दें। खाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन इसको पीस के खिलाएंगे। माशाल्लाह से खा रही है, मतलब रिकवर हो जाएगी, चांसेस हैं इसके रिकवर होने के मेरे ख़्याल से। हिम्मत नहीं हो रही खाने की, लेकिन खाना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। कोशिश करेंगे इसको खिलाने की। को मोशन किए दवाई देता हूँ, फिर वो आ रहा है इसके भी, मैं जो इसको जो है ना पानी पिलाता हूँ, ORS इसकी थोड़ी जो है ना तवनाई जो है वो बरकरार हो जाएगी, थोड़ा इसके अंदर सांस आ जाएगा, और गोली जो है इसको इसके मोशन से इसको रोकेगी। वैसे तो खाएगी नहीं मेरे ख्याल से, इसको थोड़ा करेंगे तो लाए ताज सही हुआ। बाटी ना पकड़ा बस। देखते हैं अभी इसको थोड़ा रेस्ट पर रखते हैं, फिर देखते हैं।
हम इसको थोड़ा मतलब साइड पर करेंगे ताकि ये थोड़ा गर्म हो जाए। थोड़ा आराम कर ले। ली दे दी और देसी टोटका भी हमने अपना यूज़ कर लिया। इसको लहसुन भी दे दिया। अब आगे जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा भाई। कहते हैं ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। अपनी तरफ से हमने हमारा टोटका कर लिया, आजमा भी लिया देसी तरीके से भी और साइंटिफिकली तरीके से भी। ये इसके आगे हम रख लेंगे। और चूजे हम लेकर आए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। छोटे छोटे हैं, चाचू लेकर आया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारे छोटे चिक्स हैं। चिक्स इसके ऊपर हमने ये जाला कवर किया हुआ है ताकि बिल्ली वगैरह जो है ना अंदर आ ना सके। आ जा। मुझे तो सबसे खूबसूरत ये वाला लग रहा है, माशाल्लाह। इसके आगे भी कुछ खाना पानी डाले हमने। एकदम से नीचे चला गया भाई। मौसम काफ़ी अच्छा मौसम है बारिश का, इसलिए हम इनके ऊपर इसको वापस ओढ़ देते हैं, इनको सर्दी ना लगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, इसलिए हम फिर व्लॉग का आज यहीं एंड करते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।